हमें सपोर्ट करने के लिए क्लिक कीजिए सब्सक्राइब बटन और साथ ही क्लिक कीजिए बेल बटन आइकन को। भारत में प्रथम महिला। मैं आपको बता दूं कि आज का यह टॉपिक जो है लुसेंट के पेज नंबर 473 का है, जो कि विविध के अंतर्गत आता है। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आपको यह टॉपिक जो है नहीं याद हो रहा है या फिर याद करते हुए थक गए हैं, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है एग्ज़ाम में भी कि कौन सा होगा कौन सा नहीं, तो बिल्कुल आप सही जगह पर सही वीडियो देख रहे हैं। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको निश्चित रूप से फ़ायदा होना है। दोस्त, अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं इस तरह का वीडियो लाते रहूं, और जितना हो सके लाइक शेयर ज़रूर करें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का यह टॉपिक भारत में प्रथम महिला के लिए। जैसा कि आप यहाँ पे पॉइंट देख पा रहे होंगे, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा, जितना भी है यहाँ पे शॉर्ट में मैंने सब कुछ वर्ड लिखा है, मेन वर्ड, क्योंकि भारत में प्रथम महिला राष्ट्रपति, भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री, ये सब में कॉमन है, इसलिए मैंने सिर्फ राष्ट्रपति लिखा, इतना से काफ़ी है, आप भी समझ रहे होंगे। तो सबसे पहला यहाँ पे मैं बता दूँ, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष, ये तीनों ऑलरेडी आपको ज्ञात हैं और इसमें कोई कन्फ्यूजन भी नहीं होता है। तो जो याद है ऑलरेडी उस पर एक ट्रिक बनाना बिल्कुल फिजूल होगा। तो यहाँ पर राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जो आपको ऑलरेडी ज्ञात है, प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार। हम लोग शुरू करेंगे राज्यसभा उपाध्यक्ष से। राज्यसभा उपाध्यक्ष वायलेट अल्वा। तो यहाँ पे राज्यसभा से आप समझ रहे हैं कि संसद जो होता है तीन प्रकार का होता है, राज्यसभा, लोकसभा और एक विधानसभा। तो राज्यसभा जो है सबसे पहला है संसद में, सबसे ऊपर टॉप लेवल पे है। तो यहाँ पे राज्यसभा समझते, राज्यसभा में भाई लेट जाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। वाई भाई मतलब ये हो गया वाई भाई, भाई लेट मत जाना राज्यसभा में, ये वाला बात, भाई लेट जाना बिल्कुल अलाउ नहीं है, क्योंकि टॉप क्लास का संसद है, यहाँ पे लेट अलाउ नहीं है। लेट मतलब कि देर होना, अलाउ मतलब कि आज्ञा नहीं है, ये आदेश नहीं है ऐसा। सांसद, ये भारत की प्रथम महिला सांसद है, उनका नाम है राधाबाई सुब्बरायन। सांसद में एक वर्ड है सांस, सांस लेना, और सांस लेने के लिए अगर आप अच्छे से सांस लेना चाहते हैं तो श्वास नली ठीक होनी चाहिए, और श्वास नली ठीक करने के लिए योगा भी है, जैसे कपालभाति, आपका अनुलोम विलोम, इस तरह के योगा। और यह सब जितना भी योगा मैं बात कर रहा हूँ, ये योगा कब किया जाता है, सुबह में, यानी कि सुबेर में किया जाता है। तो आपका वर्ड जो सुबेर यहाँ पे है, सांस जो श्वास नली ठीक करने के लिए हम योगा करते हैं, और योगा करते हैं हम लोग सुबेर में, तो आपका हो गया सुबेरायन। तो सांसद देखते ही सांस, और सांस से सुबेर, सुबेरायन, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। यूपीएससी अध्यक्ष, यानी कि भारत की प्रथम महिला यूपीएससी अध्यक्ष थी रोज मिलियन बैथ्यू। ये बहुत ही आसान है याद करना, क्योंकि मैं अगर कहूँ कि यूपीएससी की तैयारी करने वाले जो कैंडिडेट हैं वो हर रोज मिलियंस ऑफ, जितने भी कैंडिडेट हैं वो बैठ करके तैयारी करते हैं, सब कुछ देखिए यहीं पे है। मैं लग रहा हूँ कि कुछ बोल रहा हूँ, कुछ बात कर रहा हूँ, कुछ पढ़ा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। यूपीएससी की तैयारी करने वाले मिलियंस ऑफ कैंडिडेट, यहाँ देखिए मिलियंस, रोज रोज मिलियंस ऑफ कैंडिडेट बैठ के यूपीएससी का तैयारी करते हैं। तो हो गया यूपीएससी, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब हम सासिका, सासिका का है रजिया सुल्तान। ये नाम ही ऐसा है, लग रहा है जैसे बोल रहे हैं रजिया सुल्तान, मतलब कोई सासिका है इस टाइप की, और नाम भी है सुल्तान। अभी तक जितना भी नाम सुना होगा, सुल्तान नाम का बहुत कम ही मिलता है नाम, क्योंकि ये प्राचीन नाम है, और प्राचीन में जितने भी अगर फेमस हुए हैं तो उन लोगों का जो सुल्तान ऐसे करके, ऐसे भी ये बेटी थी इनकी, इल्तुतमिश की बेटी है। इसके पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, वो वीडियो था बलबन के बारे में, उसमें ये सब कुछ जिक्र किया हुआ मैंने कि इल्तुतमिश के समय में बलबन जो था खासदार के पद पर था, उसकी बेटी रजिया सुल्तान के काल में बलबन जो था वो आमिर शिकार के पद पर था, सब कुछ उसमें ये सब कुछ जिक्र किया मैंने। वो रजिया सुल्तान यही है, वो भारत की प्रथम महिला सासिका बनी है, इसलिए यहाँ पे पॉइंट भी अंकित है, रजिया सुल्तान नाम से ही सासिका लग रही है। अब आगे बढ़ते हैं, आईएएस जो है वो अन्ना जॉर्ज हैं, ठीक है। देखिए आईएएस और आईपीएस दोनों में कन्फ्यूजन होता है, आईएएस अन्ना जॉर्ज और आईपीएस जो है वो किरण बेदी। मैं अगर बताऊं कि आईए और आना, भाई कल आना जरूर, भाई कल आईए जरूर, क्या अंतर लग रहा है, कुछ अंतर नहीं लग रहा,
जैसे लग रहा है कि सेम बात कर रहे हैं, थोड़ा सा एक होता है कि रिस्पेक्ट दे रहे हैं, या फिर थोड़ा सा एक लग रहा है कि अलग हट के बोल रहे हैं, जैसे कि भाई कल जरूर आना, और एक बोले भाई कल जरूर आइए। कुछ अंतर नहीं है, बस थोड़ा सा अंतर है आइए आना, और दोनों तो एक ही जैसा है, तो ये आसानी से याद आएगा, अन्ना अन्ना जार्ज, ठीक है। आइए, अब है आईपीएस। आईपीएस का अब मैं बताऊँ, किरण बेदी है, कैसे याद रखेंगे, तो ये हो गया आई। अब ये आई जो है आँख वाला बात कर रहे हैं, आई पे, आईपीएस, आई पे। सूर्य का किरण जो है नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जो है आँख जो है उस पर असर पड़ता है और हानिकारक भी होता है, क्योंकि सूर्य का किरण बहुत तेज होता है, वो आपको आँखों को वो भेद देगा, भेदी, किरण भेदी, किरण भेद देगा आँखों पे, आईपीएस। तो अब बताइए कि आपको कन्फ्यूजन होगा, आइए आइए मतलब आना, भाई आइए भाई आना, ये हो गया। आई पे सूर्य का किरण नहीं पड़ना चाहिए, तो आँखों को भेद देगा, किरण भेदी, किरण भेदी। ये कितना आसानी से हो जा रहा है, और बिल्कुल हम लोग इसके बाद जितना भी आंसर है हटा करके हम लोग रिविजन भी करने वाले हैं, और आप भी खुद जवाब दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री हैं ये, इनको याद करना है। मैं बता दूं, मुख्यमंत्री बनने के लिए जितने भी नेता लोग हैं वो तो भरपूर सोचते हैं, भरपूर प्रयास करते हैं, पूरा प्लानिंग करते हैं कि कैसे मुख्यमंत्री बन जाए। तो ये होगी मुख्यमंत्री के लिए, कि मुख्यमंत्री बनने के लिए बहुत सोचते हैं नेता लोग, सोचते हैं फॉर सोचते सोचेता सोचेता, और मुख्यमंत्री बनने के लिए बहुत सारे प्लानिंग करते हैं। ये देखिए प्लानिंग, सिर्फ ग नहीं है, बिंदु नहीं है, तो प्लानिंग, सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं, क्या बनने के लिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए, कौन भाई, नेता। तो ये आपका कीवर्ड हो जा रहा है मुख्यमंत्री। अब मुख्यमंत्री देखते हैं ये आप क्या सोचेंगे, अरे इसके लिए तो बहुत लोग सोचते हैं, बहुत प्लानिंग करते हैं बनने के लिए, पैसा चाहिए, ये चाहिए, कैसे कैसे कहाँ पे कैसे लोगों को भाषण दे करके उन लोगों को मोहना है, ये सब। आगे है केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय मंत्री राजकुमारी अमृता कौर हैं। अब एग्जाम में जैसे रहेगा केंद्रीय मंत्री, तो केंद्रीय मंत्री में आप क्या देखेंगे, केंद्र, और केंद्र से आपको याद आएगा समुद्र का केंद्र, जहाँ पे अमृत का मंथन हुआ था, समुद्र मंथन हुआ था और अमृत निकला था, कहाँ से, समुद्र के केंद्र से। तो आपको यहाँ से केंद्र देखना है, और केंद्र यानी कि समुद्र का केंद्र में, और समुद्र मंथन के बाद क्या निकला था, अमृत, तो हो गया अमृत फॉर अमृता कौर। ये हिंट है, कुछ जीके ऐसे भी हम लोग हिंट की तरह भी याद कर सकते हैं, क्योंकि हर बार आपको जो ट्रिक मिलते हैं वो मतलब ये सुपर्ब नहीं मिल पाते हैं, तो कुछ हम लोग हिंट के जरिए भी कर देते हैं। जैसे कि यहीं पे देख लिए, कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर एनी बेसेंट, ऐसे तो ये आपको याद है, लेकिन इसको याद करने के लिए यहाँ पे एक वर्ड देखिए, गेस, कांग्रेस का गेस, क्योंकि कांग्रेस है ना, आप रॉ हटाइए तो क्या बच रहा है, कांग्रेस, गेस करना यानी कि अनुमान लगाना, कौन है क्या है ये वाला गेस, अंदाज़ा लगाना। तो क्या कोई अंदाज़ा लगा सकता है, क्या कोई गेस करता है, एनीबॉडी कैन गेस, तो कैन एनी, एनी यहाँ पे देखा हुआ है, कोई गेस कर सकता है, कोई गेस करना, क्या गेस करना है, जैसे यहाँ पे देखिए सेंट है, कौन सा सेंट है भाई, गेस करके बताओ कौन सा सेंट है, कौन सा कंपनी का सेंट है, तो एनी गेस कौन सा सेंट है। खैर ये आपको याद है, आगे हम लोग ध्यान देते हैं। अब नेक्स्ट अप है सुप्रीम कोर्ट मीरा साहिब फातिमा बीबी। मैं बता दूं कि इसमें बहुत ही आसान याद करना, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये भी एक जैसा बात कह रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, व्यंग बात बोल रहे हैं इस टाइप का। देखिए पढ़ के जरा बताते हैं, सुप्रीम कोर्ट मेरा साहब, हम कहा बताएं, मेरी बीबी ही मेरी सुप्रीम कोर्ट है, जो कहती है हमको मानना पड़ता है। तो आपने कितनी बार ये बहुत सारे लोगों से ऐसा सुना होगा कहते हुए, व्यंग बात है ये, मेरा यानी कि मेरा माई, मेरा साहेब, हम कहा बताएं मेरा, कि मेरा क्या हाल है, मेरी बीबी मेरी सुप्रीम कोर्ट है, जो कहती है मुझे मानना पड़ता है। तो ये हो गया व्यंग बात, सुप्रीम कोर्ट बीबी की बात मानना पड़ता है, क्योंकि बीबी जो है घर की सुप्रीम कोर्ट होती है। ओके, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट का लीला सेठ, इसे भी जरा हम ध्यान से थोड़ा सुनिएगा, मैं भी इसे एक लाइन में ही पढ़ूंगा, हाई कोर्ट पॉइंट लीला सेठ, ऑफिस जाए के टाइम हो गल बा। ऐसा कर रहे हैं जैसे कि हाई कोर्ट पैंट ले ला, यानी कि हाई कोर्ट पैंट आप पहनिए सेठ जी, क्या कि अब टाइम हो गया ऑफिस जाने का, बात कर रहे होंगे या फिर कुछ कर रहे होंगे, बिजी होंगे, तो उनका नौकर एक बोलता है हाई कोर्ट पैंट ले ला सेठ, ले ला सेठ, लीला सेठ, लील ले लीजिए, उसको बोलते ले ला, हाई कोर्ट पैंट ले ला सेठ, ऑफिस जाए के टाइम हो गल बा। तो पूरा एक लाइन में आ जा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते, सत्र न्यायाधीश, भारत की प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश जो है अन्ना चांडी है।
इनको याद रखना कि इसमें एक वर्ड है चांडी, ठीक है। और शस्त्र को याद कीजिए, शस्त्र कर दीजिए, ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा इसमें, आधा सौ जोड़ना है सिर्फ शस्त्र। और चंडी देवी, क्योंकि जानते हैं कि चंडी देवी काली स्वरूप होती हैं और उनके हाथ में शस्त्र ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है, तो शस्त्र देखते ही आपको एक याद आएगा। ऑप्शन देखते ही, ऑप्शन में चांडी और हाथ में शस्त्र, एकदम मिलता जुलता और फटाक से आप टिक करके आइएगा। शस्त्र चांडी। अशोक चक्र, अशोक चक्र जो है निर्जा भानुट है। अशोक, अशोक में एक वर्ड है शोक, शोक जब आदमी शोक में डूब जाता है तो उसकी आँख से नीर बहना यानी कि आंसू बहता है। नीर बहना, पानी गिरना, नीर मतलब होता है पानी, क्योंकि पानी का बहुत सारा पर्यायवाची से होता है, पानी, जल, नीर, इस तरह का। तो हो गया जब आदमी शोक में डूबता है तो आँखों से उसके पानी गिरता है, नीर गिरता है। तो ये हो गया शोक होना, आँखों से नीर आना, पानी आना, नीर फोर निर्जा भानुट, ये पूरा हो जाएगा। और अशोक, अशोक चक्र, क्लियर है। यूएनओ की प्रथम महिला राजदूत जो थी वो विजयालक्ष्मी पंडित थी। यूएनओ का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, और यानी कि हिंदी में बोले तो संयुक्त राष्ट्र संघ। इसकी प्रथम महिला राजदूत विजयालक्ष्मी पंडित। अभी तक हम जितना भी महिला, प्रथम महिला याद किए, सब कुछ देश के अंदर की बात है, सुप्रीम कोर्ट हो चाहे सत्र न्यायाधीश या फिर अशोक चक्र मिलना हो, सब कुछ देश के अंदर की। तो यूएनओ जो है देश के बाहर का है, और मैं इसको याद कराऊँ तो मैं बोलूँ कि देश के बाहर अगर कुछ पाना है, जाना भी है, तो जाने के लिए वीज़ा की जरूरत पड़ती है, किसी देश की मंजूरी लेनी पड़ती है, तो वीज़ा फॉर विजया। तो चूंकि यूएनओ जानते ही हैं देश के बाहर है, तो देश के बाहर जाने के लिए वीज़ा की जरूरत, तो वीज़ा फॉर विजयालक्ष्मी, विजयालक्ष्मी पंडित। आगे देखते हैं, अब इंग्लिश चैनल पार करने वाले प्रथम महिला थी आरती शाह। अगर आप देख रहे हैं कि आर और ती के बीच में गैप है, तो मैंने बता दूं कि यहाँ पर जानबूझ के मैंने किया है, क्योंकि एक ट्रिक है, ठीक है, ट्रिक को फॉलो करने के लिए। मैं बताऊं कि कुछ भी जो रिकॉर्ड बनाने के लिए, जब रिकॉर्ड आदमी बनाने चलता है, तो ये आदमी ये सोच के नहीं चलता है कि हम कर पाएंगे कि नहीं, अपना भरपूर प्रयास करता है, कहता है कि आज तो आर या नहीं तो पार, आज या तो आर नहीं तो पार। तो ऐसा सोच के, ऐसा दृढ़ निश्चय लेकर के उन्होंने इंग्लिश चैनल पार कर लिया। और ऐसा करने वाली वो, यानी कि इंग्लिश चैनल को आर या पार कर जाने वाली वो आरती शाह थी। हर दर्द को सहते उन्होंने इंग्लिश चैनल को पार किया और एक रिकॉर्ड बनाया। तो ये आर या पार याद रखिएगा, पार कर जाना, ये आरती शाह। अब है नोबेल पुरस्कार, सबसे पहले मिला था भारत में जो महिला थी वो मदर टेरेसा को मिला था। याद करना बहुत ही आसान है, क्योंकि इसमें नोबेल पुरस्कार है, जो कि जानते हैं कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, और विश्व में सर्वश्रेष्ठ कौन होती है, तो मैं कहूँगा कि वो माँ होती है, और इसलिए माँ को नोबेल पुरस्कार मिला, तो ये बहुत ही अच्छा बात हुआ। और इसलिए ये जीके भी याद हो जा रहा है, मैं आप तो यही क्वेश्चन पूछेंगे आपसे कि नोबेल पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ वो भी महिला में किसको मिला, तो वो माँ को मिला, माँ फॉर मदर और मदर फॉर मदर टेरेसा। चलिए बात करते हैं एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली प्रथम महिला और एवरेस्ट पर चढ़ने वाली, दो बार चढ़ने वाली प्रथम महिला। दोनों में एक ही अंतर है कि ये पहली बार सबसे पहले चढ़ी थी, और ये जो इनको संतोष नहीं हुआ तो ये दो बार चढ़ गई थी। तो चलिए बात करते हैं एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ने वाली बछेंद्री पाल की कहानी। छोटी सी मेरे द्वारा बनाई गई काल्पनिक कहानी है, सुनिएगा। बछेंद्री पाल को जब चढ़ने गए थी एवरेस्ट शिखर पर, तो वहाँ पर जो उनको रोक दिया गया कि आप बच्चे हो, आप बिल्कुल पहाड़ पे मत चढ़िए, आपको चोट लग जाएगा, आप मतलब कि ये बच्चों का खेल नहीं है, इस तरह से उनको समझाया गया और उनको पीछे हटा दिया गया। तो उन्होंने हार नहीं माना और उन्होंने बच्चे होते हुए भी एवरेस्ट शिखर पर चढ़ाई की, और पल में ही शिखर पर पहुंच करके एक नया कीर्तिमान उन्होंने रच दिया। और देखिए आज हम लोग उनके बारे में पढ़ रहे हैं, एवरेस्ट शिखर पर पहली बार चढ़ने वाली बछेंद्री पाल। भले ही वो बच्चे है, लेकिन वो पल में शिखर पर चढ़ गई थी बछेंद्री पाल पहली बार। और इनका तो मैंने पहले ही बात कर लिया था कि दो बार चढ़ी थी, कि उनको संतोष नहीं हुआ था, एक बार कौन चढ़ता है, मैं दो दो बार चढ़ूंगी, और ऐसे करके उनको उन्होंने अपने संतोष को तोड़ा, और इसलिए नाम पड़ गया संतोष यादव। तो बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आपको याद हो चुका है, सिर्फ आप देखते जाइए, लास्ट में आपका टेस्ट भी हो जाएगा कि याद हुआ है कि नहीं। आगे अब है मिस यूनिवर्स। मिस यूनिवर्स जो है सुष्मिता सेन है। यूनिवर्स का मतलब होता है ब्रह्मांड, और ब्रह्मांड में अगर कहूँ कि जो सन होता है वो हिस्सा होता है, सन यानी सूर्य जो है ब्रह्मांड का हिस्सा है। हमें कन्फ्यूजन क्या होता है कि यूनिवर्स और वर्ल्ड वाला में, कि कौन रीता फाड़िया किस में है, यूनिवर्स में रीता फाड़िया है या फिर वर्ल्ड वाला में रीता फाड़िया है या फिर सुष्मिता सेन किस में है। तो
तो ये तो आपके लिए आसान हो गया, यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड, और ब्रह्मांड में सन का, सन जो है वो हिस्सा है, सन यानी कि सूर्य, सूर्य जो है ब्रह्मांड का हिस्सा है, तो सुष्मिता सेन सन। अब आगे देखिए, मिस वर्ल्ड है, मिस वर्ल्ड कुमारी रीता फाड़िया, कुमारी रीता फाड़िया, मैं कहूँ कि वर्ल्ड यानी कि दुनिया, और दुनिया अगर बात करें दुनिया में, क्योंकि हम देश में तो झंडा फहराते ही हैं, रीता फाड़िया ने वर्ल्ड में जा कर के, रीता फाड़िया ने वर्ल्ड में जा कर के झंडा फहराया था, फाड़िया ने फहराया झंडा वो भी वर्ल्ड में, क्योंकि हम तो अपने देश में फहराते ही हैं, वर्ल्ड में फहराना बहुत ही बड़ी बात होती है, और जब उन्होंने फहराया तो आज देखिए उनका नाम यहाँ पर छपा हुआ है और हम लोग पढ़ रहे हैं, मिस वर्ल्ड, वर्ल्ड में जा कर के अपना झंडा फहराने वाली रीता फाड़िया। अब आगे बढ़ते हैं, भारत रत्न, ये आपको याद है ऑलरेडी, श्रीमती इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी जो कि भारत की प्रथम प्रधानमंत्री भी हैं, और इनको पहली बार महिलाओं में भारत रत्न भी दिया गया था। नेक्स्ट अब है ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है आशापूर्णा देवी को दिया गया था, और ये नाम बहुत ही आसान से मिलता जुलता है, ज्ञान की, ज्ञान का प्रकाश जहाँ है वहाँ पर आशा किरण रहता ही रहता है, क्योंकि ज्ञान जो है वो सूर्य के किरण के समान है, उसे कभी अंधकार में छिपाया नहीं जा सकता, क्योंकि जहाँ भी रहता है वो चारों तरफ उजाला करके रहता है, तो ज्ञान है यानी कि आस है, आशा है, आशा की किरण है, तो होगी ज्ञानपीठ पुरस्कार आशापूर्णा देवी, बहुत ही आसान सा है। तो अब इस वीडियो का लास्ट पॉइंट जो है वो राज्यपाल, जिसका यानी कि सरोजिनी नायडू है, वीडियो का लास्ट कहने का अर्थ है कि पॉइंट के एंड नहीं, क्योंकि आप भी जानते हैं कि पॉइंट जो है टोटल 52 है, 52 है, तो मैंने आधा कर दिया है, यानी कि 26 पार्ट वन में, 26 अगले पार्ट में, अगर मैं पूरा 52 का 52 इसमें डाल देता तो आप भी समझ रहे हैं कि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाता, जो कि सही नहीं है, आप भी नहीं देख पाइएगा तो फिर पढ़ाई बोरिंग हो जाए, तो फिर मज़ा नहीं आता, पढ़ाई को इंटरेस्ट लेकर पढ़ना चाहिए, इसलिए मैंने ये आधा कर दिया, 26 इसमें 26 अगला बैक टू बैक वीडियो आने वाला है, इसके बाद कोई और वीडियो नहीं, इसी का वीडियो आएगा 26 और पॉइंट लेकर के। फिलहाल यहाँ पे देखिए भारत के गवर्नर, जो महिला गवर्नर थी पहली, वो सरोजिनी नायडू थी, गवर्नर मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे गवर्नर, गवर्नर में मुझे एक वर्ड दिखाई दे रहा है, गंवार, गंवार उसे कहते हैं जो शिक्षित नहीं है, बिल्कुल जो शिक्षा नहीं ले पाया और इसलिए वो बोल नहीं पाता है या फिर कुछ कर नहीं पाता है, तो हो गया गंवार। गंवार इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे एक वर्ड मिल गया है इसमें, सरोजिनी नायडू में, देखिए ध्यान से, सरोजी से जो ज्ञान नहीं ले पाया, सरोजी सर जी से, टीचर से जो ज्ञान नहीं ले पाया वो गवर्नर है, गंवार है, गवर्नर बहुत बड़ा वर्ड हो जाएगा पढ़ा लिखा के लिए, फिलहाल यहाँ पे गंवार बोल रहे, ठीक है, गंवार जो सर जी से ज्ञान नहीं ले पाया। तो आज तो टीचर डे है, तो मैं कहता हूँ कि शिक्षक कोई व्यक्ति विशेष नहीं होता है, बल्कि शिक्षण के लिए हर वो इंसान जिम्मेदार है, चाहे वो आपकी माँ हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, या कोई संबंधी हो, अध्यापक हो, या फिर मित्र हो, या कोई एक अनजान व्यक्ति, या फिर कोई निर्जीव वस्तु, ये सभी चीज़ अनजाने में हमें कुछ ऐसा शिक्षा दे जाते हैं, ऐसी सीख दे जाते हैं जो हमारी कायाकल्प कर देती है। तो हमारी ओर से शिक्षण वितरण करने वाले हर उस जन को हमारी ओर से आज शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी को नमन है, शुभकामनाएं कि आप शिक्षा के माध्यम से आप अपने मुकाम को हासिल करें, नए सक्सेस को, ऊंचाइयों को चुनते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। तो ये हो गया आप आज का ये एंड। अब हम लोग ये सब कुछ, मतलब कि जितना भी आंसर है, हम लोग हटा देंगे और अपने आप को टेस्ट करेंगे। चलिए देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग अपने आप को टेस्ट करते हैं कि याद हुआ है कि नहीं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और लोकसभा, ये तीनों आपको ऑलरेडी याद है। चलिए देखते हैं, राष्ट्रपति यानी कि श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, और लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार। अब आगे जो है राज्यसभा, राज्यसभा को मैंने बताया था कि यहाँ पे राज करना है, राज करना है, राज हम तभी कर सकते हैं जब वॉलेट में पैसा हो, वॉलेट अलवा। आगे है संसद, संसद का मतलब सांस लेना है, सांस लेना है, श्वास नली ठीक करने के लिए हम योगा करते हैं, योगा कब करते हैं, सुबेर में करते हैं, सुबेर फॉर सुबेरायन, राधा भाई सुबेरायन। यूपीएससी को तैयारी करने के लिए हर रोज मिलियन कैंडिडेट बैठ के तैयारी करते हैं, तो हर रोज रोज मिलियन बैठ्यू। शासिका का नाम ही ऑप्शन में ऐसा दिखेगा जैसे कि रजत सुल्तान, तो ये ऐसा नाम ही है जो शासिका जैसा दिख रहा है, और ये है भी इल्तुतमिश की बेटी। आईएएस,
आईएएस जो है वो अन्ना जॉर्ज है। अन्ना जॉर्ज मैंने बताया था कि आईए आना एक जैसा वर्ड था, यहाँ पे आना एक वर्ड था, आईए आना जी आईए जी जैसा आई पे आईपीएस आई पे किरण नहीं बनना चाहिए, सूर्य का किरण और किरण बेदी यहाँ पे है। मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री बनने के लिए नेता लोग जो हैं वो बहुत ही सोचते हैं और प्लानिंग करते हैं कैसे भाषण देना है, कैसे लोगों का मन मोहना है ताकि हमें वोट दे पाए। तो सोचना सोचते हैं सुचेता और प्लानिंग करते हैं क्री प्लानिंग सुचेता क्री प्लानिंग। केंद्रीय मंत्री केंद्रीय फोर केंद्र और केंद्र से याद आएगा क्या कि समुद्र के केंद्र में मंथन हुआ था तो क्या निकला था, अमृत निकला था, फोर अमृता कौर। अब नेक्स्ट है कांग्रेस अध्यक्ष, ये ऑलरेडी आपको मालूम है, इसका है श्रीमती एनी बेसेंट। फिर भी अगर याद रखना चाहते मैंने बताया था कि गेस करना है कि कोई गेस करो एनी बडी कोई गेस करो कि मैंने कौन सा सेंट लगाया है, तो कोई एनी एनी और सेंट फॉर एनी सेंट एनी बेसेंट। सुप्रीम कोर्ट की बात की थी, सुप्रीम कोर्ट घर में सुप्रीम कोर्ट कौन होता है, तो इसका मैंने जवाब दिया था मेरा साहब हम क्या बताएं, मेरा घर में मेरी बीबी ही सुप्रीम कोर्ट है, तो मेरा साहब बीबी मेरा साहब फातिमा बीबी मिल जाएगा आपको सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट ये देखिए जो साहब जो थे सेठ जी वो बैठे हुए थे तो उनका नौकर जाके बोलता हाई कोर्ट पैंट लीजिए साहब लेला सेठ, हाई कोर्ट पैंट लेला सेठ ऑफिस जाके टाइम हो गया, तो ये लीला सेठ है ऐसे भी याद हो चुका आपको। सत्र न्यायाधीश सत्र फोर्स को शस्त्र कर दीजिए और शस्त्र अब आपके समक्ष ऑप्शन में रहेगा एक चांडी वर्ड, तो अन्ना चांडी जो कि चंडी के हाथ में शस्त्र लाजमी है और होता ही है। अशोक चक्र में एक वर्ड है शोक, और जो शोक होता है उसके आंखों से नीर बहना नीर बहता है तो निर्जाभान होते हैं यहाँ पे। यूएनओ जो है देश के बाहर हो जाता है इसलिए यहाँ पे वीजा की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पे विजय लक्ष्मी पंडित है। इंग्लिश चैनल को आज पार कर करेंगे आज आर या पार आर फोर आरती शाह। नोबेल पुरस्कार अगर कहा जाएगी देश का सर्वश्रेष्ठ जो व्यक्ति है फिर जो भी है वो कौन है, तब बोलेगी वो माँ है, माँ को बोलते हैं मदर और मदर का पूरा कर दे तो मदर टेरेसा। एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली प्रथम महिला, तो एक बोले थे ना कि बच्चा समझ के इनको मतलब कि नहीं चढ़ने दिया गया था, लेकिन वो बच्चे ने पल में शिखर पर चढ़ के इतिहास रच दिया इसलिए बछेंद्री पल नाम लिखे बछेंद्र पाल। एवरेस्ट शिखर पर दो बार चढ़ने वाली महिला, यहाँ पे इनको संतोष नहीं हुआ इसलिए तो दो बार चढ़ी थी, इसलिए संतोष यादव है। और ये देखिए याद भी हो गया ये यादव। मिस यूनिवर्स, यूनिवर्स मतलब होता है ब्रह्मांड, और ब्रह्मांड में जो है सूर्य हिस्सा है, सूर्य को बोलते हैं सन शेन सुष्मिता शेन। मिस वर्ल्ड तो बताया था कि हम लोग अपने देश में तो झंडा फहराते ही हैं, अगर किसी वर्ल्ड में जा करके अपना झंडा फहराए तो थी रीता फाड़िया, और इसलिए तो इनका नाम आज पढ़ रहे हैं रीता फाड़िया का वर्ल्ड में मिस वर्ल्ड। भारत रत्न आपको याद है ये श्रीमती इंदिरा गांधी हैं। और ज्ञानपीठ पुरस्कार जहाँ पे ज्ञान है वहाँ पे आशा की किरण है आशा पूर्णा देवी। राज्यपाल का गवर्नर जो गंवार है यानी कि उसने सर जिसे ज्ञान नहीं लिया सरोजनी नायडू। तो आपको कैसा लगा दोस्त आप कमेंट के जरिए जरूर बताएंगे क्या ये आपको याद हुआ, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं इसी का सेकेंड पार्ट में, तो आप देखना नहीं भूलें। चले ओके, तो जय हिंद।